हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ स्लिप डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो ये अस्तर पे पहले हम मार्किंग करेंगे। मेन फैब्रिक को मैंने साइड कर दिया है। ये मैंने 34 साइज चेस्ट का जो स्लिप कट किया है, 8.5 जो हम लेते होते हैं। देखिए इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 7 इंच ली है। तो 7 इंच में मैं यहाँ पर 4.5 इंच तक यहाँ पर रख रही हूँ। बाकी की मुझे इसको शेप दे देना है, इसको इस तरह से राउंड में, और ये वाला पार्ट हम कट कर देंगे। तो जितना आप गहराई चाहते हैं, अगर आप और ज़्यादा चाहते हैं तो 1 इंच और ऊपर रख लें, और ज़्यादा इसको डीप रख सकते हैं। देखिए इस तरह से आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक को एक एक अस्तर पे रख देंगे दोनों ही, और इस तरह से उल्टा करके रख देना है। दोनों ही पार्ट को रखने के बाद हम इसको स्टिच करेंगे। इसके जैसे शेप बना है वैसे हम इसको सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसकी जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, उसको कट करके निकाल देना है। जो मेन फैब्रिक है वो वाले पार्ट को आपने इस तरह से कट्स लगाना है, और जैसे शेप बना है वैसे कट करके इसको हम पलट लेंगे। यहाँ से साइड से हल्का कट्स पॉइंट लगा दे बीच से, यहाँ से जैसे जैसे राउंड शेप पे कट्स पॉइंट लगाना है और इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हम इस पर चाप सिलाई भी लगा सकते हैं। ये देखिए इसको मैं सीधा कर दे रही हूँ, और चारों तरफ से अच्छे से आपने इसका जैसे कौन सा बना हुआ है अच्छे से निकाल लेना है। और निकालने के बाद इसको हम क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए सिलाई जो लगानी है, यहाँ से आप चाप सिलाई लगाते हुए शुरू करेंगे, और चाप सिलाई लगाकर आप पूरा इसको सिल सकते हैं। मतलब साइड से पूरा जो होती है इसके ना अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को अच्छे से अटैच कर देना है। तो अभी देखते जाइए कैसे इसको हम सिलाई लगा रहे हैं। जैसे आप आम अस्तर जो आप ब्लाउज सिलते होते हैं ना, वैसे भी उसको आप चारों तरफ से बंद करें ताकि जो अस्तर मेन फैब्रिक इधर से उधर ना हो जब आप इसको ज्वाइंट करें स्लिप को। यहाँ पे सिलाई करने के बाद हम यहीं से टर्न कर ले रहे हैं और पूरा इसको हम सिलेंगे। सेम इसी तरह से हम सेकंड वाली स्लिप भी सिलाई कर लेंगे। देखिए सिलाई हो चुकी है, सेकंड वाली भी कर ले हैं। और यहाँ पर ये मैंने पट्टी ली हुई है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 इंच रखी है। लंबाई आप इसके अकॉर्डिंग रखें, क्योंकि प्लेट्स कितना पड़ेगा उतना नहीं पता हमें, इसलिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइन कर लिया है। यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है, और फोल्ड करके सिलाई करके इसको पलट लेंगे। जैसे हम बैक डोरी पलटते होते हैं ना, वैसे पेचकस से इसको मैं पलट लूँगी यहाँ पर। क्या है, इसको जो पट्टी हमारी जो ये बन चुकी है ना, इसको हमने इस प्लेट्स डालना है। तो फ्रिल डालने के लिए आप इस तरह से पेचकस लें, और इसकी हेल्प से आप इसको इस तरह से प्लेट्स बना सकते हैं। इस तरह से सारा का सारा हम प्लेट्स जो है तैयार कर लेंगे, सेम इसी तरह से। अब ये जो प्लेट्स बना लिए हैं, तब हमने क्या करना है, इसको इसके ऊपर इस तरह से सेट करके रखना है। आप इसे नीचे से भी लगा सकते हैं इस तरह से, और ऊपर से भी लगा सकते हैं जैसे आपको अच्छा लग रहा है। और देखिए स्पेस आपने थोड़ा सा छोड़ देना है। मैंने यहाँ पर जैसे हमने मोहरी में एक्स्ट्रा कपड़ा लेते होते हैं ना, इसलिए मैंने पूरा का पूरा नहीं लगाया है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ कर इसको लगा रही हूँ। और अभी इसको हम पूरा इस तरह से शेप बनाते हुए यहाँ गए, फिर सुई को लगे रहने देना है, फिर टर्न कर लेना है घुमा कर, इसको भी हम लगा देंगे।
प्लेट्स जब हमारी लग जाएगी दोनों पर हमने सेम इसी तरह से प्लेट्स जो है लगा लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा को ध्यान से आप कट कर दें और दूसरे स्लीव पर भी मैं इसी तरह से प्लेट्स जो है बना लूँगी, सॉरी प्लेट्स जो बनी है उसको भी मैं इस पर लगा लूँगी। तो इस तरह से भी मैंने दोनों स्लीव में प्लेट्स लगा ली है और इस लेस का मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ से एक्स्ट्रा जो लेस दिख रहा है आपको कट कर दिया और निकल गया था। अब क्या करना है, जो आपने यहाँ पर इसको लगाया है इसके ऊपर हम ये लेस लगा लेंगे। आपको जो भी लेस पसंद है, गोल्डन या फिर सिल्वर जो पसंद है आप वो लेस लगा सकते हैं। बस इसको जैसे हमने फ्रिल लगाया है वैसे इसको घुमाते हुए लेस को अटैच कर लेना है। इस तरह से जो हमारी स्लीव जो डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाती है दोनों ही स्लीव में हम सेम इसी तरह से लगा लेंगे लेस को। तो देख सकते हैं हमारी स्लीव बनकर तैयार हो चुकी है। सिंपल भी है और अच्छी भी लग रही है। इस तरह से आप डेली वेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर छोटे मोटे घर में फंक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और प्यारा सा लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।